नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड ऑफ सिक्स लेटर्स फ्रॉम द वर्ड कमिटी इज. तो अगर हम देखेंगे कमिटी में हमारे पास में कितने सी हैं, तो सी हमारे पास में वन है, ओ कितने हैं हमारे पास में, वो भी वन है, एम कितने हैं हमारे पास में, टू है, आई हमारे पास में वन है, टी हमारे पास में टू है, और ई हमारे पास में टू है. अब हमें क्या करना है, इनमें से सिक्स वर्ड चूज करने हैं. तो हमारे पास में कैसे कैसे हम चूज कर सकते हैं सिक्स वर्ड्स. तो पहला केस क्या हो हमारे पास में, सिक्स वर्ड्स कैसे हो, टू किसी सेम टाइप के हो, मीन्स टू सेम टू सेम टू सेम, है ना, इस टाइप से केस हो जाए. तो हमारे पास में टोटल हो जाएंगे सिक्स लेटर्स, लेकिन हमने क्या करें जो सेम सेम होंगे, है ना. तो अब टू सेम और टू सेम, तो हमारे पास में कितनी चॉइसेस है, हमारे पास में थ्री लेटर्स ऐसे हैं जो टू टू टाइम्स हैं, तो उन तीनों को ही ले लेंगे. तो कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओनली वन वेज में. तो हमसे सिलेक्शन पूछा है, परम्यूटेशन नहीं पूछा, तो कितने वेज हो गए, ओनली वन. अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमें टू सेम चूज करना है, टू सेम, अब लेकिन पहले क्या कर रहे थे हम, थर्ड केस भी सेम ले रहे थे, अब मैं बोलता हूँ बचे हुए जो टू हैं वो डिफरेंट है, ओके. तो हमारे पास में थ्री लेटर्स ऐसे हैं जो सेम है, तो उनमें से कोई से भी थ्री हम चूज कर लेंगे, टू चूज कर लेंगे, तो थ्री में से टू चूज कर लिए. अब टोटल सिक्स चॉइसेस थी, टू हमारी आ चुकी, तो बची हुई फोर चॉइसेस में से हम कोई से भी टू चूज कर लेंगे, तो जगह फोर सी टू. अब क्या कर सकते हैं हम, एक और केस, अब हम रखते हैं टू सेम, है ना, टू सेम. पहले क्या हो रहा था हमारे पास में, टू सेम था, टू सेम टू डिफरेंट था. अब क्या होगा, हमारे पास में टू सेम हो जाएंगे और फोर डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है. तो टू सेम और फोर डिफरेंट, ओके. तो अब टू सेम कैसे कैसे हो सकते हैं हमारे पास में, थ्री चॉइसेस हैं हमारे पास में, तो थ्री चॉइसेस में से हमने कोई से भी एक लेटर चूज कर लिया, क्योंकि थ्री चॉइसेस कौन सी है, एम टी और ई में से कोई सा भी हम एक चूज कर लेंगे, हमने चूज कर लिया. अब बचे हुए जो फाइव लेटर्स हैं उनमें से फोर डिफरेंट हम कोई से भी चूज कर लेंगे, तो जगह फाइव सी फोर, तो जगह फाइव सी फोर, ओके. नाउ अब क्या कर सकते हैं हमारे पास में, लास्ट केस क्या हो जाएगा, ये भी जो टू सेम है ये भी डिफरेंट हो जाए, तो मीन सिक्स के सिक्स हमारे पास में डिफरेंट हो जाए. तो सिक्स के सिक्स डिफरेंट कितने वेज में हो सकते हैं, हमारे पास में सिक्स ही टाइप के लेटर्स है, तो आ जाएगा वन. अब कितने टोटल पर कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास में, यहाँ से आ गया वन, थ्री सी टू इज थ्री, फोर सी टू इज वॉट, इट इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स इंटू थ्री इज एटीन, देन थ्री सी वन इज थ्री, फाइव सी फोर इज फाइव, तो आएगा फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन, एंड देन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में वन. तो टोटल कितना जाएगा, 18 प्लस 13 इज 33, 33 प्लस 2 इज 35, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 35. सो 35 इज करेक्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ सिक्स लेटर्स फ्रॉम द वर्ड कमिटी, ओके.